किसने क्वेश्चन पूछा है कि अमेजोन स्मॉल बिजनेस का पेट मार रहा है? देखिए सिंपल सी बात, मेरे हिसाब से नहीं मार रहा है, वो एक ऑनलाइन इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है बिजनेसेस के लिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अमेजोन पे अगर काम करते हो तो आप अमेजोन को पैसे कमा के दे रहे हो। जिनको नहीं पता अमेजोन का बिजनेस, समझाने की कोशिश करता हूँ। अमेजोन क्या है? अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, मतलब एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो और वहां से कस्टमर ले सकते हैं। मतलब अमेजोन के पास कस्टमर आता है और Amazon से कस्टमर जो भी प्रोडक्ट लेता है उसको एक सेलर देता है। सेलर इंडियन होता है, मैं इंडिया की बात करके चल रहा हूँ, Amazon इंडिया की। तो इंडियन सेलर Amazon को दे रहा है और Amazon से वहां माल जा रहा है। Amazon आपको कस्टमर ला के दे रहा है, इस चक्कर में वो एक फीस ले रहा है, एक कमीशन ले रहा है, ठीक है। अब कई लोगों को लगता है यार वो Amazon को मैं कमीशन क्यों दूं? अगर आपको दिक्कत है तो अपना खुद का D2C स्टोर बना लो। आजकल आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि अपने खुद का ई कॉमर्स बना रहे हैं, तो यही फ्यूचर है ना D2C का। तो अपना खुद का D2C बनाओ, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ और अपना प्रोडक्ट बेचो। हाँ, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, तो क्या करो अमेजोन पे भी लिस्ट करके रखो और अपनी खुद की साइट पे भी चलो। और जिनको लेना होगा आपकी वेबसाइट से, पहले उन्होंने अमेजोन पे प्रोडक्ट देखा, जैसा देखा आपकी वेबसाइट पे अगर आता है वहां पे थोड़ा सस्ता भेज दो, चांसेस होगा कहेगा यार अमेजोन पे भी लिस्टेड है, मैं इससे लेके देखता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन रखो स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि लोग आप ऐसे तो ट्रस्ट करेंगे नहीं। उसके बाद जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले लेता है फिर उसको रिटेन करने की कोशिश करो। नॉर्मली कहा जाता है कस्टमर को रिटेन करना आसान होता है नए कस्टमर को कॉल करने से। तो किसी ने अगर अमेजोन पे भी प्रोडक्ट ले लिया है, कोशिश करो उसको रिटेन करने की अपनी साइट पे। पर गेम ये है कि ऐसे कैसे करोगे वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमेजोन की कुछ पॉलिसीज होती है, वो आपको डेटा नहीं देता आपके कस्टमर का। पर आप ये कह सकते हो कि आपने प्रोडक्ट लिया हमसे और अगर आप हमको ये हैशटैग लगा के इंस्टाग्राम पे टैग करते हो तो हम आपको इतने रुपए का स्विगी वाउचर देंगे, या फिर आपको नेक्स्ट परचेज पे इतना डिस्काउंट देंगे, या फिर हम आपको एक्स वाई जेड चीज़ें देंगे। या आपने कुछ गलत नहीं किया, जिन कंज्यूमर ने किया होगा इंस्टाग्राम पे शेयर, आप उनको DM कर सकते हो और वो डायरेक्टली जो कूपन डिस्काउंट दे रहे हो वो अपनी वेबसाइट का देना, अमेजोन का मत देना। हो गया काम, यहाँ से क्या होगा अमेजोन का कस्टमर आपका लॉन्ग टर्म के लिए बन के रह जाएगा। थोड़ी छोटी टेक्निक सोचनी पड़ेगी आपको, हो सकता है अभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कुछ टाइम के बाद ये चीज़ भी बैन हो जाए, तो आपको स्मार्टली सोचना होगा उस कस्टमर को अपने D2C ब्रांड पे कैसे लेके आना है।